संतरा एक पेड़ के नीचे उदास बैठा है। सेब और अमरूद उसके पास आते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। अमरूद भाई, देखो ना, संतरा तो यहाँ बैठा है और हमने इसे हर जगह ढूंढ लिया। सेब भाई, मुझे तो लगता है ये कुछ उदास है, चलो इसके पास चल के पूछते हैं क्या बात है। दोनों संतरे के पास जाते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। अरे क्या हुआ संतरे भाई, आज इतने उदास क्यों बैठे हो? और तुम लीची की बर्थडे पार्टी में भी नहीं आए थे? अरे हमने तो वहाँ पर खूब मजे करे थे और अंगूरों का डांस तो कितना अच्छा था और पाइनएप्पल के गाने का तो पूछो ही मत। अरे वो सब छोड़ो, तुम अपनी उदासी का कारण बताओ। हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम उदास क्यों हो? अरे वो मैं, हाँ हाँ बताओ 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 ना इन्हें, क्यों उदास हो? बस कुछ नहीं, आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं उदास हूँ। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे दुकान से सामान लाना है। मुझे तो लगता है संतरा हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ छुपा रहा है, हो सकता है कि पाइनएप्पल ठीक कह रहा हो। चलो अब चलते हैं। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। सेब, तुम्हारे दोस्त संतरे को क्या हुआ? वो आज मुझसे बिना बात करे ही चला गया। पता नहीं क्या बात है, वैसे तो वह कह रहा था कि उसके सिर में कुछ दर्द है। मुझे तो कोई और ही बात लग रही है, तुम उससे अच्छे से पूछना। ठीक है चाचा, हम दोबारा जाकर पूछते हैं उससे। अरे आइसक्रीम तो खाते जाओ, अब तो आइसक्रीम अपने दोस्त संतरे के साथ ही खाएंगे। अरे आप लोग फिर आ गए, मैंने बोला था ना कि मेरे सिर में दर्द है। देख भाई, दोस्तों से कोई बात छिपाई नहीं जाती, तुझे कोई भी परेशानी हो तो हमें बता, हम सब मिलकर उसका हल निकालेंगे। मुझे पार्टी में आने से पाइनएप्पल ने रोका था। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? जब मैं लीची के लिए गिफ्ट लेने जा रहा था तो मुझे रास्ते में पाइनएप्पल मिला। अरे संतरे, बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? शाम को लीची की बर्थडे पार्टी है ना, तो लीची के लिए गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। और लीची के बर्थडे पार्टी के लिए मैंने एक गाना भी तैयार कर रखा है। सुनो, तुम बर्थडे पार्टी में नहीं आओगे, तुम्हें गिफ्ट लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या? लेकिन क्यों? मैं क्यों नहीं आऊंगा? मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि वहाँ मेरे अलावा कोई गाना गाए, समझे? अरे वाह, ये क्या बात हुई, तुम अच्छा नहीं गा सकते तो किसी और को भी नहीं गाने दोगे, ऐसा ही समझ लो। लेकिन मैं तो जरूर आऊंगा पार्टी में। तो सुनो, अगर तुम पार्टी में आए तो मैं तुम्हें अपने डॉगी से कटवा दूंगा। मुझे मालूम है तुम उससे बहुत डरते हो। मैंने पार्टी के लिए कितनी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन तुम्हें तो मालूम ही है ना मुझे डॉगी से कितना डर लगता है, बस इसीलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाया और यही मेरी परेशानी का कारण है। क्या? अच्छा, उसकी ये हिम्मत। पाइनएप्पल ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और तुम्हें भी यह बात अपने दोस्तों से बतानी चाहिए थी, हम सब मिलकर इसका कोई हल निकालते। मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ, रुको, हम सब मिलकर पाइनएप्पल को सबक सिखाएंगे। लेकिन कैसे? तुम चिंता मत करो, कल हम सब मिलकर पिकनिक पर जा रहे हैं और वहाँ पर पाइनएप्पल भी आ रहा है, वहीं पर सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। क्या सच में? हुर्रे,